हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इन सीटू पीसीआर के बारे में आज स्टडी करेंगे कि ये जो इन सीटू पीसीआर है, ये जो ट्रेडिशनल पीसीआर है उससे कैसे डिफरेंट है। जैसे कि हमें वर्ड पता है इन सीटू पीसीआर, इन सीटू मीन्स वन पोजीशन ऑन द साइट, वहीं पे उसी स्थल पर, जैसा कि ये शब्द से आया है, लेटिन वर्ड से। अब हम जब इसको यूज़ करते हैं इन सीटू प्रोसीजर को पीसीआर में, तो हम इसमें एम्प्लीफाई करते हैं डीएनए को, जो कि प्रेजेंट होता है पैराफिन में, जब हम कोई टिश्यू को एम्बेड करते हैं पैराफिन में और हम उसको फिक्स करते हैं फॉर्मलिन में, ग्लास स्लाइड में। अब जो हमारा जो कन्वेंशनल या जो ट्रेडिशनल जो पीसीआर था, उसमें हम डीएनए को एम्प्लीफाई करते थे जैसे ही हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते थे सैम्पल से। तो इसको हम क्या करते हैं, कैसा डिफरेंस है इसमें, कि हम इसको पहले तो हम इसको फिक्स करते हैं, फिर हम इसको उसमें एम्बेड करते हैं पैराफिन में। अब डीएनए जो है, जो हमारा जो टारगेट जो डीएनए है, उसे हमें पहले एक्सट्रैक्शन करना है। अब ये जो सैंपल है टिश्यू का, उसके लिए हम अलग अलग मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड्स में है सीटीएबी डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड हो सकता है, प्रोटीनेज के डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड हो सकता है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड हो सकता है। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल वॉल में या सेल मेम्ब्रेन में और जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस को इंटरफेयर करते हैं। उससे क्या होगा कि डीएनए प्रॉपर्ली एम्प्लीफाइड नहीं होगा। इसलिए हमें जब एक्सट्रैक्शन करना होता है डीएनए का सेल से, तो बहुत ही ध्यान से करना होता है। तो व्हाट आर द बेसिक मेन ट्रेट्स ऑफ इन सीटू पीसीआर? ये जो कॉपीज़ बनेंगी डीएनए की, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनेंगी। तो जो पीसीआर का जो इन सीटू पीसीआर है, इट इज़ टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट साइक्लिक मैनर। तो डीनेचुरेशन, जैसे कि डबल स्टैंडर्ड जो हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होंगे, या फिर जो एनिलिंग होगी प्राइमर्स के साथ में, वो जो टेम्परेचर होगा 65 डिग्रीज तक रहेगा, और जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं इसका एक्सटेंशन जो होगा वो 72 डिग्रीज पे होगा। तो जो इन सीटू जो पीसीआर रिएक्शन है, वो हम स्लाइड में करते हैं जिसमें कि टिश्यू का हम रखते हैं। जो टिश्यू कैसा हो सकता है हमारा, टिश्यू हमारा फ्रोजन भी हो सकता है, या हम उसको पैराफिन एम्बेडेड में रख सकते हैं, या कोई भी कल्चर्ड सेल्स हो सकती है। हम उसको अप्लाई करते हैं सरफेस में स्लाइड में, और एंटायर जो एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस है वो स्लाइड में चलता है। अब क्या प्रिंसिपल है इन सीटू पीसीआर का? इसके तीन मेन स्टेप्स हैं। पहला तो ये है कि हमें टिश्यू को प्रिपेयर करना है एम्प्लीफिकेशन के लिए, दूसरा है प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन, और तीसरा है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ये जो टिश्यू है, हम उसको फिक्स करते हैं साइलिन कोटेड स्लाइड में। साइलिन फिक्स करेगा टिश्यू को या सेल को ऑन द स्लाइड, जिससे कि सेल में एडिशन हो जाएगा। फिक्सिंग के बाद में क्लीनिंग किया जाता है, फिर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स उसका डाइजेशन करेंगे। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और प्रोटीनेज के ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन डाइजेशन के लिए। इसके अलावा हम काइमोट्रिप्सिन को भी प्रेफर करते हैं इन सीटू पीसीआर डाइजेशन के लिए, क्योंकि इनकी जो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है या काइमोट्रिप्सिन है, इनका जो लाइफ स्पैन है बहुत छोटा होता है। जैसे ही प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन कम्प्लीट हो जाएगा, तो जो स्पेशलाइज मास्टर मिक्स है उसको हम अप्लाई करते हैं सरफेस पे सेल के प्राइमर्स के साथ में, और फिर हम पीसीआर एडिटिव्स को जालते हैं। उसके बाद में हम कवर करते हैं, और जो स्लाइड होती है हम उसको थर्मोसाइक्लर में प्लेस कर देते हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए। जैसे कि हम इन स्टेप्स को देख सकते हैं कि हम प्रिपेयर करते हैं स्लाइड को, वॉश करते हैं, प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन हो जाता है, फिर हम उसको हमारे जो रिएजेंट्स हैं पीसीआर के, हम उनको ऐड करते हैं अलॉन्ग विद प्राइमर्स, एंड देन वी आर कवरिंग इट विद कवर स्लिप, और फिर हम पीसीआर थर्मल साइक्लर को यहाँ पे रन करते हैं। तो जो सैंपल प्रिपरेशन होगा इन सीटू पीसीआर में, वो स्पेशलाइज है, सेंसिटिव है। स्टार्टिंग जो मटेरियल होगा टिश्यू का, वो पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू, सेल कल्चर, सेल सस्पेंशन और थिन लेयर ऑफ सेल्स लेते हैं। हम फॉर्मलिन को ऐड करेंगे लगभग 12 आवर्स के लिए, 10% फॉर्मलिन को इसमें ऐड किया जाता है। फिर हम उसको वॉश करते हैं सैंपल या टिश्यू को फॉस्फेट बफर से ट्वाइस और थ्राइस। द सैंपल इज इन सेल सस्पेंशन, तो हम उसको वॉश करेंगे पीबीएस से। वॉशिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सरफेस पे जो टिश्यू के साथ में रहती हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगी। मेथडोलॉजी जो हम अडॉप्ट करेंगे, कि हम इस स्लाइड को कोट करेंगे साइलेंस। साइलेंस क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा सेल की फिक्सिंग को।
उसके बाद में हम जो टिश्यू है उसकी जो थिन फिल्म है पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू की, उसको ब्लॉक को अप्लाई करेंगे स्लाइड में। पैराफिन जो है वो ब्लॉक करेगा एम्प्लीफिकेशन, इसलिए ज़रूरी है कि हम टिश्यू को ज़ाइलिन इथेनॉल ट्रीटमेंट दें, और उसके बाद में हम प्लेस करते हैं फ्रेश ज़ाइलिन सॉल्यूशन को, और उसके बाद में हम प्योर इथेनॉल को रखते हैं 10 मिनट तक। हम इसको एयर ड्राई करते हैं ताकि एक्सेस इथेनॉल यहाँ से रिमूव हो जाए, और अब हमारी स्लाइड पीसीआर के लिए रेडी है। जो प्रोसीजर मेथडोलॉजी है या प्रोसीजर है इन सीटू पीसीआर का, उसमें इम्पॉर्टेंट है फिक्सिंग। फिक्सिंग जो क्या करेगी, स्ट्रक्चरल जो इंटीग्रिटी है टिश्यू की उसको मेंटेन करके रखेगी, और जो मॉर्फोलॉजी है टिश्यू की उसको मेंटेन करके रखेगी। जो इंटीग्रिटी होती है डीएनए की वो भी मेंटेन अप रहती है, और प्रोटीलाइटिक एंजाइम जो है डाइजेशन के लिए, उसके बाद में वॉशिंग करते हैं अल्कोहल से, उसके बाद में हमारा स्टेप रेडी है एम्प्लीफिकेशन के लिए। जो प्राइमर्स हम सेलेक्ट करते हैं वो इनमें से कोई भी प्रकार का हो सकता है, या तो हम फ्लोरोसेंट लेबल प्राइमर इस्तेमाल करें जो कि 20 से 22 न्यूक्लियोटाइड लंबाई के हों, जैसा कि हम रियल टाइम पीसीआर में यूज़ करते हैं, या फिर हम रैंडम हेक्सा या ऑक्टो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि सिंपल पीसीआर में है, या फिर हम ओलिगो डीटीपी प्राइमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 20 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग है। तो जो एप्लीकेशन जो एरिया होता है इन सीटू पीसीआर का वो बहुत वाइड है। इस टेक्निक से हम सिंगल कॉपी जो डीएनए की होती है सैंपल में, उसको हम एम्प्लीफाई कर लेते हैं, हम लोकलाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि आपने जो कॉपीज बनाई हैं वो इन सीटू पीसीआर से एग्जैक्ट लोकेशन में आप विजुलाइज कर सकते हो। हाई सेंसिटिविटी है इस मेथड की। हम इसको यूज़ करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस की स्टडी में, इन्फेक्शियस डिजीज़ के डायग्नोसिस में से यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम क्वांटिटी को बढ़ाते हैं डीएनए की, और जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसको भी हम इन सीटू पीसीआर में, जैसे कि हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो मेथडोलॉजी है उसमें देखते हैं, इसमें भी उसी तरह से हम जीन एक्सप्रेशन को भी मेजर कर सकते हैं। इस टेक्निक के हालांकि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, कुछ नेगेटिव ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि जो चांस ऑफ नॉन स्पेसिफिक जो बाइंडिंग है वो हायर होती है, और जो प्रिसिशन होती है रिएक्शन की बहुत लो होती है, और जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है वो पॉसिबल नहीं होती क्योंकि बहुत कम कॉपीज होती हैं। तो इन ए नटशेल हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो इन सीटू जो पीसीआर टेक्निक है ये बेस्ट मेथड है जब हमें लो कॉपी नंबर है न्यूक्लिक एसिड की, मटीरियल की। अब जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो हम मेथड इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें एमआरएनए जो टारगेट है, जैसे कि सीडीएनए को हम जनरेट करेंगे, और उसका जो जीन एक्सप्रेशन का जो लेवल है हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि इट इज़ मोर रिफाइंड पीसीआर इन टर्म्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और इन मेथड ऑफ रियल टाइम ऑल्सो। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर दिस।